हर तरफ एक पावरफुल कंटामिनेटेड अशुद्ध एक स्मोक बोल सकते हैं, एक वातावरण छा गया। हर कोई बेचैन होने लगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब, जैसे समुद्र मंथन के समय पर जब विष निकला था, हलाहल विष समुद्र मंथन के दौरान, तो उस समय भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ही चीजें हो गई थी कि हर एक व्यक्ति, हर एक पेड़ पौधा पशु सभी उससे त्रस्त हो गए थे और उनके लिए वो सिचुएशन बड़ा ही कठिन था, वे लोग मर रहे थे। तो यहां पर भी सतयुग में ऐसा ही होता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो सारे देवता, क्योंकि देवता क्या होते हैं, देवता मनुष्यों का और मनुष्य के नीचे जितने प्रजातियां हैं सबका भरण पोषण, सबका देखभाल करने का काम देवताओं का दिया गया है, देवताओं को भगवान ने दिया है। तो देवता देवताओं ने देखा कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वे सारे लोग मिलकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, ये कैसा उपद्रव है कि ब्रह्मांड में सारे मनुष्य, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इवन हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया, ब्रह्मा जी ने मेडिटेट किया और बतलाया, ओ दो बहुत बड़े राक्षसों का, असुरों का जन्म होने वाला है। तो उन्होंने बोला, अच्छा क्या है वो? तब वो फ्लैशबैक में स्टोरी सुनाते हैं, और वो स्टोरी क्या था जो आज हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने देखा क्या होता है। एक बार ब्रह्मा जी के चार पुत्र, ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे चार पुत्र जिनका नाम है कुमार, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा के पुत्र, और वे ब्रह्मा जी के पहले पुत्र थे, मतलब उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म शिव जी के अपियरेंस से भी पहले होता है। ओके इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कई बार। तो ब्रह्मा जी के वे चार पुत्र भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ को जा रहे थे, और उन्होंने वैकुंठ में सात दरवाजे हैं, सात दरवाजे, ठीक है, एक दरवाजा को आप खोलेंगे फिर दूसरे में जाएंगे फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, सातवां लास्ट है अंदर का। तो उन लोगों ने छह दरवाजे आराम से खोलते हुए आगे बढ़ते चले गए, सातवें दरवाजे को जैसे ही उन्होंने खोला, अचानक वे देखते हैं दो दिव्य पुरुष, दिव्य, और उनके शरीर से बिल्कुल शाइनिंग शाइन निकल रहा है, ज्योति निकल रही है, हवा निकल रही है, और बड़े सुंदर, और दोनों एक ही तरह के हैं, फोर हैंडेड, चार भुजा, शंख चक्र पद्म गदा सब लिए हुए हैं, और उन्होंने तुरंत रुका, ठहरो। तो वे कुमारों ने सुना ये कौन, चूंकि वे जो चार कुमार थे वो भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त थे, उनको मेरा और मैं इस तरीके की चीजें कुछ भी नहीं था, अपना पराया इस प्रकार की कोई चीज वो लोग नहीं जानते थे, और उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से अपने आप को केवल 4 से 5 वर्ष की उम्र में की बॉडी में रख रखा था, वे अभी भी हैं, जिससे कुमार संप्रदाय आता है, करेक्ट, उन्होंने शुरुआत किया था। तो वे चारों कुमार को जैसे ही उन्होंने मना किया तो वे बड़े निराश हो गए, क्योंकि वे लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। जैसे ही रोका गया उनको वे निराश हो गए और उनको गुस्सा, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, बोला भगवान के धाम में ऐसा कौन, भगवान के धाम में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार से बिहेव कैसे कर सकता है, इसका मतलब आप लोग जो है यहां रहने लायक नहीं, तुरंत इसी समय आप जो है मरते लोक जाओ, मतलब पृथ्वी लोक पे जाइए, ऐसा श्राप दे दिया। जैसे ही ये हुआ उधर से तुरंत, अब ये स्टोरी उसमें नहीं बतलाया हुआ था, मैं थोड़ा सा बतला रहा हूँ, पहले भी मैंने बतलाया है,
तुरंत भगवान विष्णु अपने बेड से, शेषशय्या, भगवान शेषनाग पे शयन करते हैं, वे उठे और भागते चले गए बिना स्लीपर के, चप्पल भी नहीं पहना, अंदर थे रूम के अंदर, वहां से वो दरवाजे पे गए भागते हुए, चप्पल भी नहीं पहना, भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके शंख चक्र गदा सब पर्सन के रूप में रहते हैं, व्यक्ति के रूप में वे लोग भी आ गए उनके साथ साथ, लक्ष्मी जी भी पीछे सब भागते आ गए। और तुरंत आकर के भगवान विष्णु फोल्ड, अपने अपने हैंड को फोल्ड करते हैं, प्रणाम करते हुए बोलते हैं मेरे अटेंडेंट्स द्वारा, मेरे इन द्वारपालों द्वारा आपका जो अपमान हुआ है, एक्चुअली में वह अपमान मेरे द्वारा हुआ है ऐसा माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे द्वारपाल हैं और मेरे लिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा पूजनीय है, वैष्णव ब्राह्मण। इसलिए मंत्र आता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान के अति प्रिय कौन है? गो मतलब गाय और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? वैष्णव ब्राह्मण, रावण वाला ब्राह्मण है वैष्णव ब्राह्मण, गो ब्राह्मण हिताय च। तो उन्होंने तुरंत तो प्रणाम किया और बोला कि ये गलती मेरी है। अब जब भगवान स्वयं आ गए और उन्होंने भगवान के जैसे ही दर्शन किया, अब उन लोगों को बड़ा ही शर्म अनुभव होने लगा। किसको? चार कुमारों को। अरे मैंने कितना बड़ा, हम लोग अपने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहां तो ऐसा लग रहा है, जनरली गुस्सा कब आता है, एंगर कब आता है? एंगर जब हमारी इच्छाएं, जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होने में कोई बाधा होती है, जब कोई व्यक्ति हमारी इच्छा को, हमारी काम को कोई बाधा पहुंचाता है उसको पूर्ण होने से, हमारी इच्छाओं को, तो हमें गुस्सा आता है। और तब काम का छोटा भाई, यंगर ब्रदर ऑफ काम को बोलते हैं क्रोध, वो उत्पन्न होता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने बड़े ऋषि होकर के और इन्होंने भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं, नहीं, इस दृष्टांत से, इस इंसिडेंट से यह पता चलता है कि क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन कौन सा क्रोध? वह क्रोध जो अपने लिए किया जाता है वह बुरा है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जब क्रोध किया जाता है तब बुरा है, लेकिन अगर कोई क्रोध भगवान की सेवा में किया जाता है, या जब कोई व्यक्ति हमारी सेवा को, सेवा में बाधा पहुंचाता है, तब क्रोध करना बुरा नहीं है, रूपा जी लिखते हैं। वैसे ही हनुमान जी का क्रोध, वैसे ही अर्जुन का क्रोध, ये सारी चीजें क्या है? वैसे ही भीष्म पितामह का क्रोध, जब जरासंध, और जरासंध क्या नाम था उसका, भगवान कृष्ण ने जिसका वध किया था, नॉट जरासंध, शिशुपाल, यस शिशुपाल, शिशुपाल ने जब भगवान को बहुत सारे गालियां दिया था, 100, 100 गालियां, भगवान ने बोला था 100 तक क्षमा है, तो उस समय जब वो देना शुरू किया तो भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आ गया। तो ये गुस्सा जो है यह बुरा नहीं है, क्योंकि ये भगवान की सेवा के लिए। अब उन्होंने वो ऐसा कर दिया, तब भगवान ने उनको बोला, आप घबराइए मत, ये सब मेरी ही प्लानिंग, मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा अपने भक्तों के साथ, मेरे अंदर थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट आ गया, मतलब मुझे मेरे अच्छे अंदर वो डिजायर आया कि मैं थोड़ा युद्ध करूं, लेकिन भगवान ने बोला युद्ध करूं तो किससे करूं, मैं तो हर समय कोई भी डीलिंग करूंगा तो अपने भक्तों के साथ ही करूंगा, भगवान की अगर प्रेममय लीला होगी, भगवान की अगर युद्ध की लीला होगी या किसी भी प्रकार की लीला होगी, तो भगवान केवल अपने भक्तों के साथ करते हैं और उस रूप में अपने भक्तों को भगवान भेज देते हैं। तो भगवान ने बोला कि आपने जो श्राप दिया है वो हमारे ही इच्छा के द्वारा आपके अंदर प्रेरित हुआ था, लेकिन जय विजय ने जैसे ही सुना कि उनको श्राप मिल गया, वे बोलते हैं, नहीं, मुझे
बिल्कुल यहां से नहीं जाना है। एक्चुअली जय विजय को जब उन्होंने श्राप दिया तो बोला कि आपको जो है ऑप्शन दिया गया कि अगर आप वहां पर जन्म लेते हैं भगवान के भक्त के रूप में, तो आपको जो है 100 जीवन जीना पड़ेगा धरती पर, 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आप भगवान के असुर, भगवान के विरोध में जन्म लेंगे, मतलब आप भगवान का विरोध करेंगे, आप असुर बन करके जन्म लेंगे, तो केवल 3 लाइफ टाइम, केवल 3 जीवन आपको जीना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है 3 जीवन, लेकिन वो 3 जीवन पर भी राजी नहीं हो रहे थे। भगवान ने बोला डोंट वरी, वो 3 लाइफ जो है वो स्पार्क के समान होगा, बैकुंठ के लिए कुछ सेकंड की बात है, बस गए और आए की बात। तब वे दोनों राजी हो गए, और तब वहां से आपने वीडियो में देखा वे तुरंत वे दोनों कहाँ आते हैं, कश्यप, प्रजापति कश्यप की जो वाइफ है, पत्नी है दिति, उनके गर्भ में वो दोनों आ जाते हैं। जय विजय जो द्वारपाल हैं, वे दोनों जय और विजय यहां पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। और तब आपने स्टोरी देखा कि जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष, वो हर समय अपने बड़े भाई को खुश करने के लिए तत्पर रहता था। अब राक्षस है तो कैसे खुश करेगा जब वे अच्छे लोगों को कष्ट देगा, साधुओं को, देवताओं को कष्ट लेगा, कष्ट देगा। इसी इच्छा से वो गदा लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा और सबको इनवाइट करने लगा, मुझसे फाइट करो, मुझसे फाइट करो। ऐसा करते करते वो एक पहुंच गया विभावरी, एक जगह, देश का नाम है विभावरी, देश मतलब राजधानी है वो, वरुण देव की राजधानी। कहाँ है? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंदर वरुण देव रहते हैं, क्योंकि वरुण देव कंट्रोल करते हैं पानियों को, वाटर बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, समुद्र को इस प्रकार से। तो वहां पर उनकी राजधानी है पानी के अंदर में, जिसका नाम है विभावरी। जैसे इंद्र की राजधानी इंद्रा इ, आ, इला व्हाट इज द नेम, मैं भूल रहा हूं, इंद्र, सम्यमनी, सम्यमनी जैसे यमराज की राजधानी है, यमराज का जो देश है वहां पर उनकी राजधानी का नाम है सम्यमनी। वैसे ही वरुण देव की जो का जो प्लेस है वहां का, उसका नाम है विभावरी। और इंद्र का भी नाम है अमरावती, यस अमरावती, अमरावती। तो वहां पहुंच करके चैलेंज करने लगा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, राक्षस बोल रहा है असुर, कृपया करके मुझसे फाइट करिए। वो व्यंग कर रहा था, जोक कर रहा था, उसको पता था कि हम तो जैसे ही उन्होंने इस तरीके से बोला, वरुण देव ने बोला ये मैं आपके लिए फिट नहीं हूं, मुझे पता है कि आप कितने पावरफुल हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर अभी कोई व्यक्ति आपसे फाइट कर सकता है तो वो आदि पुरुष भगवान विष्णु है जो आपसे फाइट कर सकते हैं। उसने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, बोला कौन फाइट करेगा हमसे, कौन है इस पूरे संसार में। और उसने क्या किया, वो जाने लगा, रास्ते में उनको नारद मुनि मिलते हैं, और तब देवऋषि नारद उनको बोलते हैं नहीं सच में भगवान विष्णु जो है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल है, शिव जी ब्रह्मा जी से भी पावरफुल भगवान विष्णु है। अब उसको गुस्सा आ गया और तब वो उनसे फाइट करने के लिए प्रवेश करता है, जो क्षीर सागर में, ओके। और तब वहां पर भगवान वराह रूप में आते हैं, और तब आपको पता है वराह रूप में भगवान उनका वध करते हैं। तो ये बड़े भाई का स्टोरी, ये दोनों स्टोरी एक साथ भगवान नरसिम्हदेव के अवतरण में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वराह देव का जो अपियरेंस हुआ था ऐसा नहीं कि बहुत समय के लिए हुआ था, बस उन्होंने अवतार लिया था वध करने के लिए हिरण्याक्ष का, और नरसिम्हदेव का भी अवतार ऐसा ही था, बस वे अवतरित हुए थे हिरण्यकश्यप को के वध के लिए, इतना ही टाइम के लिए, उनकी कोई ज्यादा लंबी लीला नहीं थी। तो अब हिरण्याक्ष का वध हो गया, जैसे ही ये खबर पता चला हिरण्यकश्यप को, वो बहुत गुस्से में आ गया, और तुरंत उसने क्या किया कि मुझे विष्णु से बदला लेना है। और उसने क्या किया,
उसने घोर तपस्या शुरू कर दिया। वो मंदराचल में चला गया गंधमादन पर्वत पे, और वहां जाकर के एक दोनों पैरों के अंगूठे पे खड़ा हो गया और हाथ ऊपर। ओके, 36 36,000 ईयर्स, 36,000 साल। उसका पूरा शरीर जो था ना, वो उसमें दीमक लग गया था, मिट्टी लग गया था, घास पर पेड़ वेड़ आ गए थे, लेकिन केवल उसकी आवाज आ रही थी और पूरा का पूरा लाइट दिख रहा था उसके बॉडी से। वो ब्रह्मा जी के नाम का मंत्र बोल रहा था और ब्रह्मा जी का आह्वान कर रहा था। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडल से दिव्य जल लेते हैं और डालते हैं, तुरंत वो यंग हो जाता है, जैसा था वो उसकी वैसी वैसा रूप उसको फिर से मिल जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं बोलो क्या चाहिए, और फिर उसने अपना फेमस वो जो उसका वरदान था जो सबने सुना है आप लोगों ने, कि मैं दिन में न रात में न पशु से न जानवर न पशु से न आदमी से न देवता से, किसी भी 84 लाख योनियां हैं जो आपने बनाया है वैसे किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु ना हो, किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। और फिर एक्चुअली इस बून को लेने से पहले या इस अपनी इच्छा को व्यक्त करने से पहले उसने बोला था मुझे अमर बना दो, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला था अमरता तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ, मेरी भी लाइफ जो है लिमिटेड है, मुझे भी मरना है, कुछ और मांगो। तो अब उसने दिमाग को बहुत घुमाया और उसने एक ऐसा वरदान लिया जो बिल्कुल सचमुच ऐसा लग रहा था कि अमरता के बिल्कुल करीब है। न दिन में न रात में, न जमीन पे न आसमान में, न जल में न वायु में, उसने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिए, ठीक है। लेकिन और इसी बीच में क्या होता है, आपने स्टोरी में देखा, जब वो तपस्या कर रहा होता है तो उसी समय उसकी वाइफ कयाधु, वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो देवताओं ने सोचा अच्छा मौका है, इतना बड़ा राक्षस ऑलरेडी है और इसकी वाइफ के घर में एक और बड़ा राक्षस जो है अभी शेल्टर लिया, चलो हम लोग कयाधु को किडनैप कर लेते हैं और जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसको मार देंगे उसी समय। इस तरीके से विचार करके वो ले जा रहे थे, लेकिन तुरंत नारद मुनि अपियर होते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि कयाधु के गर्भ में जो पर्सनैलिटी है वो महाभागवत है, उसको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, वो आपको आप लोगों के लिए है, आए हैं यहाँ पर। तुरंत देवता देवता कयाधु की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं क्षमा मांग करके। फिर नारद मुनि कयाधु को वृंदावन ले आते हैं अपनी कुटिया में और उनको वहीं रखते हैं, और उनको कयाधु को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और प्रहलाद महाराज को उनके गर्भ में ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं। प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर है और नारद मुनि उनको सब कुछ सिखला रहे हैं, पूरा भागवतम पढ़ा दिया उनको अंदर। ओके, अब हिरण्यकश्यप लौट करके आता है वरदान लेकर के, और तब वो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देता है, जहां भी भगवान का नाम, वो बोला कि देखो वो विष्णु जो छुपा हुआ है कैसे बाहर निकलेगा, चारों तरफ जहां भी यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि है, जहां भी सबको तोड़फोड़ कर दो, सबको मार दो। इतना ही नहीं, वो वैकुंठ पहुंच गया और भगवान विष्णु को ढूंढने लगा, और भगवान विष्णु शेषनाग पे नहीं थे, वो तुरंत उसके हृदय में ऑलरेडी परमात्मा के रूप में है, भगवान उनके हृदय में चले और वो ढूंढ रहा है किधर है, भगवान अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, ठीक है, क्योंकि समय नहीं हुआ था भगवान के अवतरण के लिए, तो भगवान वहां से छुप के उसके हृदय में बैठ गए। ओके, फिर उसके बाद वो लौट के आ जाता है, नहीं मिलता, और फिर इस तरीके से चारों तरफ तबाही मचाता है। और भगवान उसी समय, उनका जो पुत्र था प्रहलाद, वो उसको ट्रेनिंग के लिए गुरुकुल भेजा गया था, जहाँ की शुक्रा शुक्राचार्य के पुत्र हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, सब गलत सही पाठशाला में। और वे क्या करते थे, जब उनके टीचर उनको सब गलत काम ही सिखलाते थे, तो जब टीचर चले जाते थे और दो पीरियड्स के बीच में टाइम होता था ना, अपने मित्रों को असुरों असुर के बच्चों को बुलाते थे और उनको भागवत पढ़ाते थे, सबको कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा जप का कीर्तन चल रहा है सारे बच्चे। फिर प्रहलाद को
जब 7 साल के थे तो पहली बार मुलाकात करने का मौका मिला फादर से, उनको बुलाते हैं बेटे को और बड़े अच्छे से प्यार से गोद में बैठाते हैं और बोलो और सहलाते रहते हैं उसके सर को और बोलते हैं प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा है। और जैसे ही पूछा तो उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया जो फेमस श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे ही विष्णु सुना उसको फेंक दिया उन्होंने गोद से, मेरे सबसे बड़े दुश्मन का नाम ले रहे हो। और फिर से उनके टीचर्स को बुलाए, क्या तुमने शिक्षा दिया है, तुमको अपने प्राण वो नहीं है क्या, तुम्हारे खुद को अपने प्राण प्यारे नहीं है जो तुम ये शिक्षा दे रहे हो मेरे दुश्मन के विषय में। सही शिक्षा देकर क्या, फिर से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। लेकिन फिर से जब आया तो बोला ठीक है अब क्या सीखा तुमने। तब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने फिर से विष्णु का नाम लिया। उन्होंने बोला कि इस संसार में हर एक व्यक्ति हर एक जीव की जो शक्ति है वो भगवान विष्णु की शक्ति है। इवन उसने बोला अपने पिता को, पिताजी आपके पास जो शक्ति है वो भी भगवान विष्णु से ही आया है। बहुत गुस्सा आ गया। इस दो इंसिडेंट्स के बीच में उन्होंने कई बार मारने का प्रयास किया, आपने देखा विष दिलवाया, होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया गया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया गया, एक ऐसे बंद कमरे में डाल दिया गया जहां बहुत जहरीले विषैले सांप थे, लेकिन कहीं पर भी प्रहलाद महाराज को किसी प्रकार का कोई संकट, जब भी कुछ होता भगवान विष्णु उनकी रक्षा के लिए थे। ओके, लास्टली जब उन्होंने ये बात बोला कि विष्णु जो है आपकी भी शक्ति विष्णु के द्वारा है, और तो उन्होंने बोला विष्णु है किधर तुम्हारा विष्णु, हम तो वैकुंठ जाकर के आ गए, भागा हुआ है। तो उन्होंने बोला कहाँ नहीं है, हर जगह है, हम में आप में पिलर में। उसने बोला पिलर में भी, इस पिलर में है। बोला यस। उसने बोला अभी इस पिलर को और तुम्हारे भगवान को भी समाप्त करूंगा मैं, और उसने गदा लेकर के उस पिलर को के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार हुआ तुरंत, वो समय था न दिन न रात, ओके, और तुरंत भगवान जो है वो 18 फीट हाइट का पिलर है और भगवान उस पिलर से निकलते हैं। जैसे ही पिलर को हिट करता है बहुत जोरों से एक शेर के गरजने की आवाज आती, ऐसा रूप किसी ने अद्भुत ऐसा रूप नहीं देखा था, सहस्त्र बाहु सैकड़ों हाथों के साथ, फेस जो है वो लायन का है, बड़े बड़े बाल हैं, और धड़ जो है नीचे का जो पोर्शन है वो मनुष्य का है, बड़ी बड़ी नाखून है भगवान के हाथों में। हिरण्यकश्यप से कुछ देर तक फाइट करते हैं, बाद में हिरण्यकश्यप को उठाते हैं और लेकर के जो दरवाजा होता है उस दोनों के बीच में बैठ जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो जो चौखट होता है हम लोग उसके ऊपर पैर नहीं रखते, ठीक है, उसको प्रणाम करते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो जगह नरसिम्हदेव वहीं बैठ करके हिरण्यकश्यप का वध, और बाद में उन्होंने जब ले लिया हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रखा, न जमीन पे ना आसमान में, अपने अपने गोद में रखा उसको, ऐसे आपने तस्वीर देखा होगा, और अपने किसी हथियार का यूज नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला था कोई हथियार नहीं, नाखूनों को ही हथियार बना लिया भगवान ने, और नाखूनों से ही उसके वक्षस्थल को फाड़। और इतना ही नहीं, इतने गुस्से में थे कि उसके सारे इंटेस्टाइन को निकाल लिया, आंतों को निकाल करके भगवान ने गले में पहन लिया माला के रूप में। और ये सब हो गया, भगवान वो करके आकर के बैठ जाते हैं सिंहासन पे, और भगवान वैसे ही जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, मतलब लग रहा था जैसे प्रलय हो जाएगा, सारे देवता ब्रह्मा हाँ ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र सारे देवता बोलते हैं, जितने भी वैरायटी जितने भी प्रजातियां हैं सबके लीडर्स वहां आ गए, लक्ष्मी जी आ जाती हैं, प्रहलाद महाराज आ, सभी अपने मंत्रोच्चारण द्वारा उनको उनको थोड़ा सा शांत करना चाहते हैं। नारद मुनि ने सुनाया, ब्रह्मा जी ने सुनाया, शिव जी ने सुनाया, जितने देवता हैं सबने, तो ब्रह्मा जी बोले, और लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला कि माता आप जाइए,
आपके तो हस्बैंड है, जाकर के शांति शांति ओम शांति करवाइए। लक्ष्मी जी ने बोला नहीं नहीं मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं है ये रूप, मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं गए। अब वे नहीं गए तब प्रहलाद महाराज बोले अब क्या होगा, अगर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ये प्रलय, ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा भगवान के तेज के कारण, इस गुस्से के कारण। तब उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला देखो प्रहलाद, ये अवतार ये जो रूप है तुम्हारे कारण ही भगवान आए हैं, तुम जाओ और भगवान को प्रणाम करो, भगवान के पास जाओ। तुरंत वो तुरंत चले गए वहां पे। वे बोले कि ये तो मेरे भगवान है, माला लेकर के जाते हैं। माला लेकर के जाते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जाते ही उनके लोटस फीट पे गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं दंडवत। और जैसे ही वे प्रणाम करते हैं तो नरसिंह तो गुस्से में थे, देखते हैं कौन आया कौन आया। तो जैसे ही देखते हैं प्रहलाद महाराज को, तुरंत शांत हो जाते हैं। अब वो अपने वही हाथ जिससे प्रहलाद महाराज के पिता को फादर को उन्होंने मारा था, अब वो उतने हार्ड हैंड थे, करेक्ट बोलते हैं उनके नाखून जो थे चिसल की तरह, जैसे वो हथौड़ी और पत्थर चलाते हैं ना छेनी, वैसे नाखून थे उसी, वो सॉफ्ट हो गया। और तुरंत प्रहलाद महाराज को उठा, पहले उनके सर पे हाथ डालते हैं और उनको उठा करके गोद में बिठा लेते हैं। और तब वे प्रहलाद महाराज बिल्कुल शांत हो गए। और तब प्रहलाद महाराज को बोलते हैं वरदान मांगो मुझसे। अब प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त, वे बोलते हैं वरदान कैसे, अगर मैं आपसे वरदान मांगता हूं तब तो ये व्यवसाय हो गया, अगर आपने कुछ फेवर किया है और इसके लिए आप वरदान मांग, आप मुझसे खुश हो गए और आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मैं मांगू तो ये व्यवसाय हो जाएगा, मुझे कोई व्यवसाय नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि आपको कुछ मुझे आशीर्वाद रूप में देना है, तो ये जो मेरे फादर हैं असुर वर्य, असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिता जो कि असुर रूप में देह धारण किए हैं और असुरों में श्रेष्ठ हैं, आप उनको क्षमा कर दीजिए। प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते हैं। तो नरसिंहदेव बोलते हैं प्रहलाद मैं तुमसे इतना संतुष्ट हूं, इतना खुश हूं, अगर तुम जैसा भक्त किसी वंश में एक व्यक्ति आता है तो तुम एक व्यक्ति की क्या बात करते हो, एक वंशज की, तुम्हारे तुम्हारे आगे के और पीछे के वंशज सभी मुक्त हो जाएंगे। कहीं कहीं पे वर्णन है 100 वक्त 100 जनरेशंस की, कहीं कहीं पे 19 जनरेशंस की, सभी लिबरेट सभी मुक्त हो जाएंगे अगर तुम जैसा भक्त वंश में एक व्यक्ति हुआ। अगर इसका मतलब क्या हुआ, प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बनता है तो वो खुद का कल्याण नहीं अपने कितने जेनरेशंस का कल्याण कर देता है। तो ये भगवान की भक्ति का भक्ति की महिमा है। और वैसे ही प्रहलाद महाराज थे जिन्होंने जिनको प्रसन्न करने के लिए, क्यों, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट दिया था जबकि वो उनका पुत्र था। प्रहलाद महाराज पुत्र हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, बहुत ज्यादा कष्ट दिया। भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आए थे, वे प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के लिए, आह्लाद देने के लिए आए थे। इसलिए प्रहलाद महाराज का नाम है प्रहलाद, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, क्योंकि प्रहलाद महाराज हर्ष में स्माइलिंग करते थे। इतना कष्ट दिया उनको बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, वे हर समय भगवान का कीर्तन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो ये दिन बड़ा ही पावरफुल है, हमको भगवान नरसिम्हदेव से अपनी भक्ति में जितनी बाधाएं हैं उनको दूर करने की शक्ति मांगना चाहिए उनके आशीर्वाद के रूप में, और उनका प्रोटेक्शन भक्ति में, प्रोटेक्शन भौतिक जीवन में, प्रोटेक्शन जिससे कि हम भक्ति में आ पाए, भक्ति से बाहर न जाए, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है दूसरी शक्ति इन्हीं नरसिम्हदेव की, वो हमको हर समय भगवान की सेवा से दूर करने की सोचती है। वो एक्चुअली में दूर करने की नहीं सोचती है, वो हमारा टेस्ट करती है, लेकिन उनकी शक्ति इतनी पावरफुल है उससे बाहर तभी हम जा सकते हैं जब हमें भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। तो हमको भगवान से इस कृपा की याचना करनी चाहिए आज के दिन। कैसे करेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, और अभी से कुछ देर में विशेष आज का कार्यक्रम शुरू होगा, यहाँ वृंदावन में भी होगा,
नरसिंह यज्ञ होगा, विशेष आरती होगी भगवान की। ओके कई सारे चैनल्स पे मैं भेज दूंगा, वृंदावन का भी आप लोग को मैं लिंक डालूंगा, बैंगलोर का भी डालूंगा, कई सारे टेम्पल्स में अराउंड द वर्ल्ड सारे टेम्पल्स में नरसिंह देव की आरती, नरसिंह यज्ञ होगा उग्रम, जिसमें कि विशेष प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए हमने आप लोगों को वो भी भेजा था जो नरसिंह गायत्री है, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युम नमाम्यहम्। ओके तो इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र है, इसका भी आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो भेजा है, उसमें मंत्र का 2-3 बार बोलेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक माला का चाहे तो 160 माला का इसका भी जप कर सकते हैं। और भगवान के नरसिंह देव का अभिषेकम सुबह आपने देखा वीडियो मैंने आप लोग को भेजा था, और अभी विशेष आरती होगी, विशेष प्रोग्राम होगा तो उसको भी आप दर्शन करें। तो इसी के साथ आज का ये क्लास हम लोग यहीं पर विशेष जो कथा है उसको समाप्त करेंगे, और कल कोशिश करेंगे फिर से 4:30, 4:45 और 4:30 में टाइम ले लूंगा, हम लोग फिर से अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। ओके श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, प्रहलाद जय नरसिंह जय देव भगवान की जय, जय जय नरसिंह जय चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय की जय, जय प्रहलाद महाराज की जय, जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय भाई गौर हरि प्रेम नंदे हरि 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 बोल। हरे हरि कृष्ण हरि प्रभु जी बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण।